हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्मला क्लासेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एट, इसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए, द लेंथ ऑफ वाइड ऑफ ए रूम, एक रूम है उसकी लेंथ और ब्रेथ है फ्लोर फ्लोर फर्श की इज 8 मीटर एंड 7 मीटर रेस्पेक्टिवली। इन दिस रूम, यह रूम में 1 मैट कवर द एंटायर फ्लोर, एक मैट बिछाई है कवर करने को उस रूम में, ठीक है, एंटायर अंदर के फ्लोर में। फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस मैट, तो अपन को, जैसे अपन का रूम होता है एक रेक्टेंगुलर रूम है जिसमें अपन अंदर क्या करते हैं, एक मैट बिछा रहे हैं, तो मैट जो है उसकी लेंथ है 8 मीटर एंड ब्रेथ है 7 मीटर, तो हमको क्या करना है उस कारपेट का, उस मैट का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो आपको पता है रेक्टेंगुलर लेंथ इनटू ब्रेथ होता है एरिया ऑफ, ये फॉर्मूला होता है इसका, लेंथ ऑफ ए, अपन लिखेंगे क्वेश्चन देखिए, लेंथ ऑफ ए रूम लेंथ ऑफ ए रूम बराबर 8 मीटर, ठीक है, ब्रेथ ऑफ ए रूम, अब ब्रेथ है इसकी कितना है 7 मीटर, ठीक है, हमें यहां कह रहा है कि लेंथ, फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस मैट, तो अब एरिया निकालना है, एरिया ऑफ मैट, एरिया ऑफ अ मैट, मैट लिखो या कारपेट लिखो एक ही बात है, लेंथ, अब हमको पता है ये रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला निकालने का, एरिया निकालने का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो हम लिख देंगे लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ कितनी दे रखी है बच्चों 8 मीटर इनटू 7 मीटर, 8 7 56, अब देखो क्या लिखेंगे, स्क्वायर मीटर, मैंने आपको बताया था ना स्क्वायर मीटर लिखते हैं जब एरिया निकालते हैं तब, ठीक है, या और या फिर लिख सकते हैं 56 मीटर स्क्वायर, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। चलिए नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।